आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एलटीआई माइंडट्री की कंपनी के जून तिमाही के नतीजों पर फोकस करते हैं। एंड जैसा कि हमने आईटी सेक्टर में सभी कंपनीज में देखा है कि गिरावट रही है या नंबर्स कमजोर रहे, और वही ट्रेंड यहाँ पर भी दिख रहा है। नतीजे अनुमान से एक्चुअली कमजोर रहे। आय हल्की बढ़त के साथ 8700 करोड़ पर आई है, लेकिन डॉलर आय में भी ऑफकोर्स थोड़ी सी हल्की सी मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। बट ओवरऑल नंबर्स किस तरह से दिख रहे हैं और आगे क्या आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के CFO विनीत तेरदेसाई हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। तेरदेसाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में जो हमने ओनली 1.1% ग्रोथ देखी है, जो स्ट्रीट एस्टिमेट से कम आई है, सर उसका क्या कारण रहा और आगे अब आउटलुक किस तरह से दिख रहा है? देखिए, हमने साल की शुरुआत में ही कहा था कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर सॉफ्ट रहेगा। अभी सॉफ्ट का डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन रहता है, मगर ये जो क्वार्टर जो प्लान आउट हुआ है वो हमारे एग्जैक्टली हिसाब के वैसा ही हुआ है। जो चीज अभी तक जो हमने साल की शुरुआत में कही थी कि पहला क्वार्टर सॉफ्ट रहेगा और बाद में रिकवरी आएगी, और हमें लगता था कि कस्टमर्स जो हमको प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने ऑर्डर्स जो दिए हैं वो प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे, तो हम और वो जो डिलेज हो रहे थे वो शायद Q1 तक खत्म हो जाएंगे। तो वो एक चीज है कि वो अभी भी सुधरी नहीं है। जहां कस्टमर्स हमको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, ऑर्डर्स इनफ्लो अच्छा है, मगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में अभी भी डिलेज कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये अनसर्टेनिटी थोड़ी सी अभी जब तक प्रिवेल रहेगी तब तक FY24 के बारे में कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर हम ये इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारा ऑर्डर इनफ्लो काफी अच्छा है। कस्टमर्स के साथ जो हम एंगेजमेंट्स कर रहे हैं वो सब कॉस्ट सेविंग्स के तरफ कर रहे हैं। तो अगर वो प्रोजेक्ट्स अगर कस्टमर्स और डिले करेंगे इसके बाद तो उनको वो सेविंग्स मिलने में भी डिले हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन तक चलेगा। अभी वो Q2 में रिकवर होगा या Q3 में रिकवरी होगी वो कहना अभी इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, मगर हमारा आउटलुक काफी भी पॉजिटिव है। जिस दिन वो टाइड टर्न होगा वहां से ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई देगी। तो अभी हम FY24 को इतना ही कह सकते हैं कि हमारी ऑर्डर बुक को देखते समय हमारे कस्टमर्स के साथ जो बातचीत हो रही है उसके हिसाब से और जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए हुए हैं उसको देखते हुए हमें यही लगता है कि FY24 में हमारी इंडस्ट्री लीडिंग क्वाड्रेंट में जो पोजीशन है वो बरकरार रहेगी। ओके, श्योर। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन दिख रहा है, रिकवरी कब आएगी आप नहीं कह सकते Q2 में कि Q3 में, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म व्यू इंटैक्ट है आपके, ओवरऑल ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है जैसा आप बता रहे। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन पर मैं यहाँ फोकस करना चाहूँगी, वो आए हैं एज पर स्ट्रीट एस्टिमेट्स, तो मार्जिन्स को लेकर आगे किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, क्या ये बरकरार रख पाएंगे या इससे बेहतर भी हो सकते हैं? देखिए, मार्जिन्स के दो पहलू होते हैं। एक ग्रोथ के साथ आपको मार्जिन का एक बेनिफिट मिल जाता है और दूसरा एफिशिएंसी के थ्रू मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता है। अभी इस क्वार्टर में तो जैसे आपने देखा कि ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी जितनी एक्सपेक्टेशन मार्केट की थी, मगर एफिशिएंसी पे जो दोनों कंपनीज आने के बाद हमने मर्जर होने के बाद जो एफिशिएंसी पे हमने काम करना चालू किया था उसके रिजल्ट्स अभी आपको थोड़े थोड़े हर क्वार्टर में दिखाई देंगे। हमारा यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हुआ है। अभी हमारी जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो नेट रिडक्शन हुई है, मगर हमारे पास अभी भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेडकाउंट है जो हमारी ग्रोथ को सफाइस कर सकते हैं। हमारा पिरामिड रैशनलाइजेशन का जो एक्सरसाइज चल रहा है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन की तरफ कोशिश हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस है जिसके वजह से आपको ये बेनिफिट्स मार्जिन में दिखाई देंगे और वो आगे के क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू होंगे। अगले क्वार्टर में हमें इंक्रीमेंट्स जो हमने साल की शुरुआत में कहा था कि जुलाई से हम इंक्रीमेंट्स करेंगे वो हम करने वाले हैं, वो सब प्लान किया हुआ था और अभी भी लगता है कि वो इंक्रीमेंट्स एडजस्ट होने के बाद पूरे साल में जो हमारा मार्जिन एक्सपेक्टेशन है वो हम उसकी तरफ अभी भी कंफर्टेबल है।
अगर ग्रोथ ने साथ दिया, ग्रोथ जल्दी आ गई, टाइट टर्न हुआ, तो हमें लगता है कि मार्जिन में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ओके, तो मार्जिन में आगे और भी बढ़ोतरी हो सकती है. एफिशिएंसीज ऑफ कोर्स आ रही है मर्जर के बाद, उसका इफेक्ट हम आगे देख सकते हैं. आपने डील पाइपलाइन की बात की और ऑर्डर बुक की बात की, मैं वहाँ पर आपका फोकस चाहती हूँ. अगले 4 से 8 क्वार्टर्स में किस तरीके की डील पाइपलाइन दिख रही है, और अब आप क्या देख रहे हैं कि क्लाइंट्स थोड़े कॉशियस हो रहे हैं ऑन स्पेंडिंग बजट्स, या वहाँ पर कोई खास चेंज नहीं देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, ऑर्डर अभी भी अगर हमारी पाइपलाइन देखे तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। हमारा विनिंग रेशियो काफी अच्छा है, हम काफी लार्ज डील्स पे काम कर रहे हैं, तो वो डील्स अगर हमें हमें कॉन्फिडेंस है कि अगले 2 क्वार्टर में सम ऑफ दीज लार्ज डील्स भी मटेरियलाइज हो जाएगी, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑर्डर इनफ्लो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो वो अभी भी अच्छा चल रहा है, और आगे अगले क्वार्टर्स में भी आपको अच्छा ही दिखाई देगा। इसके हिसाब से अगर उसका अगर रिलेशन आप ग्रोथ की तरफ देखोगे तो ये सब जो डील्स है वो कॉस्ट सेविंग्स एफिशिएंसी इसके हिसाब से चल रही है। सो कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास बजट की कंस्ट्रेंट है, हमारे कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स को हम अभी इमीडिएटली फंड नहीं कर सकते, तो आप हमारे साथ काम कीजिए, हमें कॉस्ट सेविंग्स दिलाइए, वही सेविंग्स हम ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स को फंड करने में देंगे। तो एलटीआई माइंडट्री जो दोनों तरफ से काम करती है, फ्रंट एंड कस्टमर्स या बैक एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, ये दोनों तरफ से एलटीआई माइंडट्री काफी अच्छी पोजीशन में ये डील करने के लिए है, उसी के हिसाब से हमें ये डील्स मिल रहे हैं। ऑर्डर जैसे मैंने कहा ऑर्डर इनफ्लो अच्छा है, तो ये सब जिस दिन टाइट टर्न होगा तो उसके बाद आपको ऑर्डर इनफ्लो एज वेल एज ग्रोथ ये दोनों में अच्छी बढ़ोतरी दिखाई देगी। ओके, बट सर कुछ तरह के रीनेगोशिएशंस ऑन प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर आपका, अगर आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या नए डील्स हैं उस पर कुछ क्लाइंट से बातचीत हो रही है, और रीनेगोशिएटिंग प्राइसेस, ऐसा कुछ आप देख रहे हैं? प्राइसिंग में कोई कस्टमर्स डायरेक्टली नहीं हो रहे, नए डील्स में आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ रहा है। ऐसे नहीं है कि आप ज्यादा प्राइस पे जाके कर सकते हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्राइस एक ही प्राइस ऐसा कंपोनेंट नहीं है कि जिसके हिसाब से सब चलता है। कस्टमर ये भी देखता है आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके पास आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपका क्रॉस रेफरेंस कैसा है, आपके कस्टमर सर्विस कैसे है। सो ये सब देख के हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और उसके हिसाब से अगर एलटीआई माइंट्री का आपने पिछले कपल ऑफ क्वार्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो काफी हद तक हमने हमको वो लीडरशिप क्वाड्रेंट में हमने वो डील्स विन की है, सबसे बड़े कंपटीशन के अगेंस्ट हमने वो डील्स विन की है। सो हमारी क्रेडिबिलिटी मार्केट में काफी अच्छी है और उसके हिसाब से हमको डील्स मिलते हैं। प्राइसिंग एक कंपोनेंट है, अभी जो डील्स हम साइन कर रहे हैं उसमें हमको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ रहा है, मगर ऐसे कोई नहीं है कि कस्टमर बोल रहा है कि आपके एग्जिस्टिंग प्राइसेस में हमें और डिस्काउंट दो, बिकॉज कस्टमर्स को भी मालूम है कि बाहर इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो वो अगर हम हमसे दूसरे के पास जाएंगे तो उनको प्राइस ज्यादा ही पे करने पड़ेगी, तो उसके हिसाब से वहां कुछ प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है। सर, बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं वर्टिकल्स पर अब आपका फोकस लाना चाहूँगी. नाउ BFSI, क्लियरली जो बाकी IT कंपनीज में हमने देखा ट्रेंड, वो यहाँ पर भी बरकरार है, डी ग्रो हुआ है बाय 1.3%. क्या है आगे आउटलुक BFSI को लेकर, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स को? देखिए, BFSI सिक्वेंशियल ग्रोथ मत देखिए, आप सालाना साल अगर देखेंगे तो BFSI सेगमेंट 12% के ऊपर ग्रोथ हुई है, तो वो हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है जहां हम काफी लार्ज बैंक के साथ काम करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर BFS और BFSI से मैं BFS सेगमेंट पे बात कर रहा हूँ, तो वहां ग्रोथ काफी अच्छी है। इंश्योरेंस एज अ सेगमेंट में भी हमारी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है ये क्वार्टर में। बैंकिंग फाइनेंशियल, जहां मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जहां डिसीजन में डिलेज है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में डिलेज है, उसका इम्पैक्ट ये क्वार्टर में आया है।
मगर आप उसके अगेंस्ट बाकी के वर्टिकल्स देखोगे, जैसे हाईटेक वर्टिकल, उसने ऑफसेट किया हुआ है। तो हम ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर इंडस्ट्री सेगमेंट पे ऐसा फोकस नहीं करते, हम सालाना साल देखते हैं, और सालाना साल अगर हमारी ऑर्डर बुक देखेंगे तो हर सेगमेंट्स में हमको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसमें एक ही सेगमेंट में कॉल आउट करूंगा कि रिटेल कंज्यूमर पैकेजिंग जो पिछले साल से स्ट्रेस में है, वो अभी भी हमें लगता है कि एक दो क्वार्टर्स और स्ट्रेस रहेगा। अगर बाकी जो सेगमेंट्स है वो काफी हद तक अच्छी ग्रोथ दिखा दे रहे हैं, और आगे की क्वार्टर्स में भी आपको वो ग्रोथ दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ आगे दिखाई देगी जैसा आप बता रहे हैं। क्विकली सर, एक सवाल आपसे, हेड काउंट नेट एम्प्लॉई अगर हम देखते हैं तो वो कम हुआ है बाय ऑलमोस्ट 1800 ये क्वार्टर में। क्या है आगे का आउटलुक सर इसको लेकर? FY24 के हायरिंग ट्रेंड्स क्या लग रहे हैं? तीन क्वार्टर पहले जब ही हमारा मर्जर हुआ था, हमने कहा था कि हमारी दोनों कंपनी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज थी, और तभी टैलेंट मार्केट जो था उसके हिसाब से काफी हद तक अहेड ऑफ द टाइम हायरिंग हुई थी। हमने तभी कॉल आउट किया था कि अगले 2 से 3 क्वार्टर आप हमारे हेडकाउंट को मत देखिए, जो वो उसका उसको उसकी ग्रोथ या डीग्रोथ हमारे बिजनेस को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो हमारे पास काफी हद तक बेंच था, और हमारी डिमांड को मीट करने के लिए, ग्रोथ जो थी वो मीट करने के लिए काफी था। तो उसका ही इफेक्ट अभी आप ये क्वार्टर में दिखाई दे रहे हैं कि हमारा जो हेडकाउंट रिडक्शन हुआ है वो बिजनेस के वजह से नहीं हुआ है, वो एक्सेस हेडकाउंट जो बेंच पे ज्यादा रहते हैं, जहाँ स्किल्स का मिसमैच है, वही से रिडक्शन हुआ है। हम जहाँ हमारी ग्रॉस हायरिंग अभी भी चल रही है, कि जहाँ स्किल्स की गैप है वहाँ हम अभी भी हायरिंग कर रहे हैं, और हमारा FY24 का जो टारगेट था उसके हिसाब से हम हमारे फ्रेशर्स और लेटर ये दोनों हायरिंग टारगेट पे चल रहे हैं। ओके, तो वहाँ पर टारगेट पर ही आप चल रहे हैं। ऑफ़ कोर्स एक दो क्वार्टर्स आपने कहा कि नहीं देखा जाए बिकॉज मर्जर की बात थी, बट आगे इंटैक्ट है जो आपके टारगेट्स रखे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स आए और आगे मोर इम्पोर्टेंटली क्या है आउटलुक ग्रोथ को लेकर।